हेलो एवरीवन, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के क्लास को आगे बढ़ाते हुए निबंध ऐसे हम लोग लिखेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि आजकल बर्निंग टॉपिक जो है वह है कोरोना वायरस। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करते हुए और निबंध को कंक्लूड करेंगे। मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिख रखा है कि कैसे कैसे हम लोग कोरोना वायरस के ऊपर लिखेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा होगा इंट्रोडक्शन, परिचय देंगे कोरोना वायरस क्या है। अब उसमें ये देखना है कि इसका ओरिजिन, कब यह जन्म लिया, टाइम समय क्या था। तो जैसे आप लिख सकते हैं, द कोरोना वायरस आउटब्रेक केम टू लाइट ऑन दिसंबर 31st 2019, when China informed the World Health Organization of a cluster of cases of pneumonia of an unknown cause in Wuhan City in Hubei province। ये आप लिख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में पहला है परिचय, आप देंगे परिचय में आपको लिखना है या कहाँ ओरिजिन, इसका ओरिजिन का है, कहाँ इसने जन्म लिया, समय क्या था, जगह क्या था और इसका नाम क्या, कैसे नाम पड़ा कोरोना वायरस, समझ गए। चूंकि यह बीमारी से रिलेटेड है तो इसलिए सिम्टम्स, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स, इस बीमारी के लक्षण क्या क्या होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने एक तो लिख रखा है, जैसे देख लीजिए, फीवर, ड्राई कफ, टायर्डनेस, sore throat, loss of taste और smell, ये सारे हैं। और भी कुछ हैं, उसके बाद आपको लिखना है मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द कोविड 19 वायरस, यह कैसे ट्रांसमिट होता है एक व्यक्ति से दूसरे। चौथा जो पॉइंट है, इन इम्प्लीकेशन ऑफ रिसेंट फाइंडिंग्स ऑफ डिटेक्शन ऑफ कोविड 19 वायरस फ्रॉम एयर सैंपलिंग, मैं अभी आपको लिखवाऊंगी। और लास्ट आपको कंक्लूड करना है, कंक्लूजन। तो ये पांच पॉइंट्स में हम लोग कोरोना वायरस के ऊपर निबंध लिखे हैं। अब आप अपनी कॉपी निकाल लें, पेन निकाल लें और जो छोटे बच्चे हैं वो छोटे छोटे सेंटेंस लिखेंगे। अपने क्लास के अनुसार से आप जो है वह लाइन को सेग्रीगेट कर लें, अपने से आप इसको रिफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ और आप इसको आराम से बैठ करके लिखें। यह कोरोना वायरस का पहला पेज, फर्स्ट पेज, इसमें आपको दिया गया है इंट्रोडक्शन, मेन सिम्टम्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये देख रहे हैं आप, यहाँ देखिए, दिस इज फर्स्ट पेज ऑफ कोरोना वायरस। ये पहला पेज है, बहुत ही आराम से लिखना है आप लोगों को, सेंटेंस को पढ़ना है, समझना है, उसके मीनिंग्स को समझना है, ठीक है। बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, आपके सिलेबस में भी इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, तो इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे। अब आपका यह दूसरा पेज है, अच्छी तरह से बिल्कुल देखें, इसी के कंटिन्यूएशन में पेज टू। अब इसमें आपको दिया गया है इसी के बारे में, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और इम्प्लीकेशन ऑफ रिसेंट फाइंडिंग ऑफ डिटेक्शन ऑफ कोविड 19 वायरस फ्रॉम एयर सैम्पलिंग। और थर्ड पेज में कंटिन्यू करेंगे, तो ये सेकंड पेज है। ठीक है, और ये लास्ट पेज, इसी को और लास्ट में आपका कंक्लूजन है।
ठीक है। चलिए तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, कोरोना वायरस के ऊपर जो ऐसे हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम और टॉपिक लेकर के आते हैं। ओके, मोर इन नेक्स्ट क्लासेस, बाय।